अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई है तो अपना सब चीज क्या होंगे आज माशाल्लाह जबरदस्त दत्तू की साग की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बहुत जबरदस्त यानी मजेदार रेसिपी है। अभी इसका सीजन चल रहा है, आप ज्यादा से ज्यादा खाएं और हेल्थी है माशाल्लाह, एंजॉय करें। अभी स्टार्ट करते हैं आज की मजेदार रेसिपी, किस तरह बनाए अपने तरीके से हम लोग बनाते हैं। आप भी अपने तरीके का सरसों के साथ हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। चलते हैं रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं सरसों के साग की माशाल्लाह रेसिपी, बहुत जबरदस्त रेसिपी। आप लोगों को पता है क्योंकि हमारे पंजाब के लोग बहुत शौक से खाते हैं, वैसे सारे पाकिस्तानियों को पसंद है, ज्यादातर पंजाब के लोग खाते हैं शौक से। आप लोगों के लिए जबरदस्त स्पेशल मैं आज सरसों के साग की रेसिपी लेकर आई हूँ। बनाते हैं सब अपने अपने तरीके से, आज हमारे तरीके से देखें, बनाएं और एंजॉय करें। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये देखें, अभी सरसों के साग को कढ़ाई के अंदर डाल दिए हैं। अभी इसमें ऐड करते हैं एक प्याज, कच्चा प्याज है। अभी इसमें एक गिलास पानी भी ऐड कर लिए हैं ताकि ये गले। अब इसको छोड़ दें, जब ये गल जाएगी इंशाल्लाह सॉफ्ट होंगे तो आपको दिखाएंगे। बाकी पूरा वीडियो वॉच करें ताकि आपको लोग की समझ आएगी इसमें क्या क्या ऐड होगी। देखते रहें आज की मजेदार रेसिपी। इसकी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई के अंदर आधा कप तेल डाल दिए क्योंकि इसको तड़का भी देंगे। अभी आधा कप पाई, अभी तेल गर्म हो गई। अभी इसमें ऐड करती है प्याज। अभी ये प्याज है बड़े साइज के, तीन। अभी प्याज का कलर चेंज हो रहा है, ये देखिए। अभी प्याज हो गए रेडी। अभी इसमें ऐड करती है टमाटर की पेस्ट 1 कप। अभी इसको करती है मिक्स। अभी इसमें शामिल कर लेंगे स्पाइस, ये लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून। उसके बाद ये लहसुन की पेस्ट है 1 टेबल स्पून और हरी मिर्च, और साथ में नमक कस्बे जायका, क्योंकि इनके मसाले यही है माशाल्लाह, इसी मसालों में ये जबरदस्त बनती है, जबरदस्त टेस्ट इसका आएगा। अब इसको करते हैं मिक्स। बहुत सारे लोग बनाते हैं इसमें टमाटर ऐड नहीं करते, मगर हम लोग जिस तरह बनाते हैं हम इसमें टमाटर ऐड करते हैं। हम बहुत हमारे तरीके से भी आप बनाकर देखें कितना टेस्टी मजेदार होंगे, तो दिखाते हैं। ये देखें, ये अभी ये सरसों बॉयल हो गए हैं। अभी इसको कुंडे के अंदर थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे। ये देखिए अभी बिल्कुल ये साबित है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इसमें ऐड करती है सरसों, ये जी देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रहे हैं रेड और ग्रीन कॉम्बिनेशन। अभी इसको करते हैं मिक्स। अच्छी तरह मिक्स कर ले। केपीके के लोग बनाती हैं इसमें कोई मसाला वगैरह नहीं डालती है, सिंपल सी बनाती है, क्योंकि मैंने वो भी खाए हैं, मगर हम लोग बनाती है तो उसमें थोड़ा सा स्पाइस तो बनता है क्योंकि हम लोग पाकिस्तानी है, बगैर स्पाइस से नहीं होता हमारे यहाँ। तो सिंध की लोग भी बनाती है, पंजाब की माशाल्लाह सिंध की बहुत खाती है माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह अभी बस ये रेडी होने वाले हैं। अभी इसके इसको देंगे तड़का। ये तड़का ये देखिए फ्राई पैन के अंदर 4 टेबल स्पून तकरीबन तेल डाल दिए। अभी तेल हो गए गरम। अभी इसमें डालती है ये लहसुन के जवे, दो तीन तकरीबन 5-6 अदद है इस टुकड़े की इस तरह। पहले इसके बाद बाकी चीजें डालेंगे। पहले ये लहसुन का कलर थोड़ा चेंज हो जाए, लहसुन का कलर अभी चेंज हो गए। अभी इसमें ऐड करते हैं थोड़ा सा ये मेथी दाना है साबित, और थोड़ा सा जीरा है, तकरीबन 1-1 चुटकी होंगे।
अभी ये रेडी होंगे, अभी इसको डालते हैं सरसों के अंदर। अभी इसका तड़का डाल दिया है, अभी हो गई रेडी। ये देखिए हमारे आज की मजेदार सरसों की रेसिपी माशाल्लाह हो गई रेडी। अगर माशाल्लाह आपके पास देसी माशाल्लाह मक्का नहीं देसी घी है, तो आप इसकी तड़का उसी से देंगे। ये हमने मक्कन मक्खन रख दिया है, ये अभी पिघलेगा, बहुत टेस्टी लगेंगे इनशाला। मक्खन के साथ देसी घी के साथ माशाल्लाह, अगर आपके पास देसी घी है तो आप इसका तड़का उसी से लगा सकते हैं। अभी इंजॉय करें माशाल्लाह मजेदार रोटी के साथ। आई होप आप लोगों को आज की मजेदार रेसिपी पसंद आई होगी, तो पसंद आई है तो कमेंट्स में जरूर लिख दें। आप अपना भी माशाल्लाह सरसों के साग की रेसिपी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अभी मिलते हैं, जिंदगी रही इंशाल्लाह न्यू रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज।